हेलो दोस्तों जी, आज देखिए मैंने कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ब्रेकफास्ट बना के खाएं जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों, मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है एक कटोर सूजी। ये कटोरी मतलब सूजी थोड़ी सी मोटी है, इसलिए मैं इसको पीसूंगी। तो उसमें डाल दिया एक कटोरी बेसन और ये आधा कटोरी दही डाल दी है। अब इसका मैंने पेस्ट बना लिया है दही के साथ। अब इस जार में थोड़ा सा पानी डाल के और मैं इसी पेस्ट में डाल दूंगी और इसको घोल के अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पे रखूंगी। ये देखिए, ये अच्छे से घुल जाएगा जब इसको रेस्ट पे रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे दोस्तों घिया, लौकी, जो कम लोग खाते हैं, लेकिन अगर जो नहीं खाते तो आप इस प्रकार बना के खिला सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी होती है। लौकी हमारा वेट कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। लौकी को हम अच्छे से क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। और ग्रेट करने के बाद दोनों तरफ से हम कर सकते हैं ग्रेट, बारीक मोटा आप जैसे भी ग्रेट कर सकते हैं। और इसके साथ हम खाने के लिए बनाएंगे चटनी। चटनी बहुत इजी तरीके से बन जाती है दोस्तों। मैंने लिया हरा धनिया और उसमें डालने 2 से 3 हरी मिर्च, और ये कम तीखे वाली हरी मिर्च है। और उसके बाद एक लहसुन की कली डाल ली है। इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी दही और थोड़ा सा पानी, और इसमें थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। और मसालों में हम डालेंगे नमक, नमक के बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर के बाद थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा पानी डाल के ये हम पीस लेंगे। ये देखिए, पीस के तैयार हो गई है चटनी हमारी। इसको रखेंगे साइड में अब। और अब करेंगे दोस्तों जो हमने रेस्ट पे छोड़ा था ये बैटर, इसमें हम डाल देंगे ग्रेट की हुई घिया। और घिया खाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। कुछ लोगों को नखरा होता है कि घिया नहीं खानी, तो आप इस प्रकार घिया खिलाएं। और इसके आप पराठे बना सकते हो, और मैंने ये चीला बनाना सिखाया था, चीला भी बना के तैयार कर सकते हो दोस्तों। तो इसमें हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन के बाद डालेंगे नमक, नमक के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे हींग। हींग डालने के बाद इसमें दोस्तों इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती भी मैंने डाल दी है जो मेरे पास थोड़ी थी। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसका बना देंगे, हम एक पराठा कह लीजिए, चीला कह लीजिए, मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगा था। तो इसका अच्छा सा गाढ़ा सा ये पेस्ट बन गया है। अगर गाढ़ा आपको लगे तो इसमें थोड़ा पानी डाल लेना या दही डाल लेना। तो इसको मिक्स करके मैंने इसमें थोड़ा सा हम सो लहसुन और डालेंगे। ये देखिए, 1 किलो लहसुन हम ग्रेट करके डाल देंगे, जिससे इसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लहसुन खाना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये गैस वैस की जो परेशानी होती है उसको ख़त्म करता है। इसे दोस्तों ये मैंने इसमें डाल दिया। इसमें अब डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और इसको फटाफट हम मिला लेंगे। ये देखिए, मिलाने के बाद दोस्तों हम इसे लोहे के तवे पे बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास नॉनस्टिक तवा नहीं है। तो तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, उसके बाद ये बैटर डाल और इसको फैला दिया, और इसको गैस को कर लिया थोड़ा सा मंदा। और उसके बाद थोड़ा सा, जब ये थोड़ा सा ऊपर से सिक जाए, उसके बाद इसको हम अच्छे से पलट देंगे। बहुत ईजी तरीके से बन के रेडी हो जाता है, और बच्चों को खिलाएं तो बच्चों को भी पसंद आएगा दोस्तों, और आप बेफिक्र हो जाएंगे इस प्रकार का बच्चों को नाश्ता देने के बाद, क्योंकि उनके पेट में थोड़ी बहुत हरी सब्जियां चली जाती हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे हरी सब्जियां खाने में नखरा करते हैं। तो आप इस प्रकार के लिए इस प्रकार ये बना के दीजिए। और दोस्तों, बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने 2-3 बना दिए हैं ये ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों, कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुकिंग जिसको नहीं आती उसके पास शेयर करें।